पूरा पानी पानी हो गया। इट्टी की उम्र में काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप जो इतने फिट हो, स्प्रेड कर लो, बहुत जबरदस्त खाना बनाता हूँ। हेलो एवरीवन, तहे दिल से स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। तो गाइस अभी 9 बज रहे हैं और अभी जैसा मैं उठा तो आप ये देखो, मजा आ जाएगा आपको। बहुत तेज़ बारिश हो रही है भाई और इतना मस्त मौसम हो रहा है ना, पूरा ठंडा ठंडा है। हाय हाय, क्या तेज़ हवा चल रही है, मेरे को पूरा पानी पानी हो गया। बहुत तेज़ बारिश हो रही है भाई और कम से कम 2 घंटे से हो रही है, बिकॉज मैं जब सो रहा था ना तब से मुझे आवाज़ आ रही है बारिश की। देखो मौसम देखो यार, आज मज़ा आ गया, बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। एटलीस्ट भाई मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे गर्मी थी 2-3 दिनों से, तो अब थोड़ी सर्दी हो जाएगी। तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो अभी बज रहा है 9 और थोड़ा लेट हो गया है उठने में, तो अब नहा धो के रेडी वेडी होके निकलते हैं दुकान के लिए। तो मिलते हैं आपसे दुकान पर। लेट मी इंट्रोड्यूस टू द मोस्ट स्पेशल पर्सन ऑफ आवर फर्म, मास्टर जी। हेलो मास्टर जी। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक है। सो गाइस आपको यकीन नहीं होगा, मास्टर जी जो है इनका एज है करीबन 80 ईयर्स। और मास्टर जी आप कब से वर्क कर रहे हैं, मतलब कब से? 50 से स्टार्ट किया। 1950 से, तो इट्स ऑलमोस्ट 70 ईयर्स। 10 साल की उम्र से मास्टर जी काम कर रहे हैं। और इधर पे खान टेलरिंग में कब से काम कर रहे हैं आप? 84 से स्टार्ट किया। 84 से, मतलब आपको हो गए 15, इधर 20 से 25 साल हो गए, 30 ईयर्स हो गया। सो गाइज मास्टर जी जो है इनका नाम है बादल सरकार और ये खान टेलरिंग में इधर पे 20 से 25 साल से काम कर रहे हैं और इनकी अभी उम्र है 80 और ये अभी भी काम कर रहे हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, कोई इंसान 80 की उम्र में, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई इंसान 80 की उम्र में काम कर रहा है और वो भी आप यकीन नहीं करोगे। या मास्टर जी मतलब अपने घर से बस से आते हैं और बस स्टॉप जो है वो गणेश मंदिर में उतरती है ना, उतारते हैं, तो वहाँ से हम लोग का दुकान है ऑलमोस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर। मास्टर जी रोज 1.5 से 2 किलोमीटर यहाँ वॉक करते हुए आते हैं और रोज सुबह मॉर्निंग में उठ के भी 4 से 5 किलोमीटर वॉक करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो वॉक करते हैं इतना एक्टिव है, इसलिए वो अभी तक काम कर पा रहे हैं और काम कर पा रहे हैं इतने एक्टिव है, जब भी अभी तक उनकी तबीयत में सब ठीक है। मास्टर जी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको अभी तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी भी मास्टर जी? जब मास्टर जी हम लोग के मेन मास्टर है खान टेलरिंग के, मतलब आप समझ लो हमारा जो फर्म है खान टेलरिंग उसके उसकी जान है मास्टर जी, मेन पिलर हैं, इनके वजह से हम लोग की दुकान बहुत अच्छी चल रही है। और अभी भी ये जो कटिंग करते हैं इनका जो फिटिंग है सबसे अच्छा है, कोई भी कटिंग कर ले, नए नए बहुत सारे मास्टर्स आए लेकिन इनसे अच्छी कटिंग कोई नहीं करता भाई। और अभी भी दिन के 20 से 30 कटिंग करते ही हैं खड़े होके। ये मास्टर जी की जगह है, मास्टर जी बहुत अच्छी बात है अभी तक काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं, वरना 80 की उम्र में काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप जो इतने फिट हो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। बस ऊपर वाले ने आपको सही रखा है और इंशाल्लाह ऐसे ही सही चलाते रहे, है ना? क्या दास, क्या बोलना चाहोगे मास्टर जी के लिए? ये मास्टर जी का सबसे नहीं
So guys, मैंने जो आपको बताया था कि ये दोनों टॉम एंड जेरी हैं, इन दोनों की लड़ाई होती रहती है। एग्जांपल देख लो, 20 वर्ष पर अपना यार दिनो बेसी होने, एक दिनो बेसी होने 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 ऐसे होने मस्त द मौज अनु ना। As I told you, ये दोनों सिर्फ लड़ते रहते हैं, उनका कोई काम नहीं है। अभी भी लड़ रहे हो राम राम जी। चलो सही है, ऐसे मस्त मजे करते रहो, हंसते रहो, इसी का नाम है जिंदगी, है कि नहीं वास्तव में? हंसी खुशी में रहो, जिंदगी चलने दो, बस जिंदगी चलते रहेगा और हंसते फिरते रहो बस, क्या दास? इसी भाई, सही बात है कि नहीं? सही है। अलग हम खुशी के जनी बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर। One hour later. So guys, घर आ चुके हैं और नहा धो के फ्रेश भी हो चुके हैं। अब बारी है डिनर बनाने की, तो खाना वाना बना लेते हैं, फिर पेट पूजा करते हैं। ओके, नाइस 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 नाइस। कुकिंग सेशन भी ले लो मुझसे, देख लो खाना कैसे बनता है। देखो थोड़ा सा ऑयल डालो और इससे स्प्रेड कर लो, बहुत ज़बरदस्त खाना बनाता हूँ मैं, मज़ा आ जाएगा देखकर। ये लिया ये लेके श्यों बस इसको पलटो, उसके बाद बाहर निकाल के खा लो, यकीन मानो मज़ा आ जाएगा खाकर, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। और भाई कैलोरीज भी कम है इसमें, मतलब कैलोरी कम कैलोरी वाली फूड खा रहा हूँ अभी। सो फॉर नाउ मतलब अभी के लिए डिनर के लिए तो इतना ही है भाई, अभी ये बना लूँ मैं, उसके बाद दिखाता हूँ आपको कैसा दिखता है। ये देखो लग रहा है ना लजीज, लजीज भी है लो कैलोरी भी है। ये तेल है ना, ये ऑलिव ऑयल यूज़ करा है, उसको स्प्रेड कर दिया दो तीन बूंद डाल के, भाई बहुत टेस्टी बना है। सो गाइस, जो आपको मैंने आज मास्टर जी से मिलवाया तो उनसे कुछ सीखना चाहिए हम लोगों को, मतलब वो हम लोगों के लिए, हम लोग की जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है। आजकल क्या होता है, लोग 50-60 में रिटायर हो जाते हैं और फिर घर में बैठ जाते हैं, उसके बाद मतलब बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होने लगती हैं, कुछ बीमारियां होने लगती हैं। बट ही चोज टू वर्क बिकॉज भाई उनको एक्टिव रहना था, वो एक्टिव थे, दैट्स व्हाई आज उनको कोई भी बीमारी नहीं है और उनकी बॉडी बहुत अच्छी है क्योंकि वर्किंग में है। इसलिए उनसे हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए, हमेशा उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहिए, इंस्पिरेशन है वो हम लोगों के लिए। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ उनसे आपको क्या सीखने को मिला, एक 80 साल का इंसान 80 साल की उम्र में काम कर रहा है, इस ये बहुत बड़ी बात है। सो गाइस, आज का वीडियो ये ख़त्म करते हैं, मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद सोने चला जाता हूँ, आप लोग भी सोएगा, अभी तो दिन का वक्त है, आप लोग जो वीडियो देखोगे सोना मत, काम करो, पैसा कमाओ। सो टिल देन गुड नाइट, शुभ खैर, शुभ रात्रि, दिस साइड शास्त्र साइनिंग ऑफ।